दोस्तों, अगर आप भी एक वाटर पम्प बनाने जा रहे हो या कुछ भी ऐसे यूट्यूब पे देख के एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना पहले, उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करना। उससे पहले वो लोग लाइक करते हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन घर पे कुछ बनाते नहीं है। जितने भी यूट्यूबर बोलते हैं कि मैं तो मार्केट से सिर्फ 10 रुपये में लेके आया हूँ, ये देखो दोस्तों एक लिथियम आयन सेल है, सिर्फ 10 रुपये मिला है। लेकिन भाई 10 रुपये में नहीं मिलता। अगर वही आप खरीदने जाओगे ना, कहेंगे निकल जा लौड़े, नहीं तो बहुत मारूंगा। आप अपने आप से सवाल करो, आप एक वाटर पंप क्यों बनाना चाहते हो? सिर्फ मस्ती के लिए या सिर्फ अनुभव लेने के लिए, या आपको मजा आता है? तो मैं आपको बता दूं, 775 डीसी मोटर तो आप जानते होंगे, उसके ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि पूछो ही मत। कोई वाटर पंप बनाया है तो कोई ड्रिल मशीन बनाया है तो कोई अलग अलग चीजें बनाया है। अगर आप अभी भी मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं इसका खर्चा और इसका कार्य बता दूं, जिससे आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। पहले नंबर पे हम रखेंगे खर्चा। इसमें खर्चा कितना आता है और क्या क्या लगता है, सामान वो सब उपलब्ध रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एक वाटर पंप बनाने के लिए 775 डीसी मोटर मैंने एक myinnovation.com से 280 रुपया में खरीद, और वाटर पंप का अभी मेन पार्ट बाकी है दोस्तों। तो इसके लिए 20 रुपया का मैंने कैप खरीदा था जिसमें वाटर पंप फिट किया, और 20 रुपया का बोन टाइट खरीदा, 10 रुपये का MCL खरीदा है, और भी इसको बनाने के लिए हथियार चाहिए थे जिसमें कि मैंने हेक्सा ब्लेड खरीदा, और हेक्सा ब्लेड के लिए फ्रेम खरीदना जो है बहुत ही महंगा था। देखो यार, यूट्यूबर भी जितने इतना फिनिशिंग के साथ वर्क करते हैं, ये सब आपको दिखाते हैं इतना फिनिशिंग के साथ, उनके पास इतना ज़्यादा हथियार रहता है ना कि उतने आसानी से बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास उतना हथियार है नहीं कि हम आसानी से बना पाएं। और घर पे हम लोग बनाते हैं तो बनाते हैं कुछ और, बन जाता है कुछ और। जैसा कि मैंने इस वाटर पंप को बनाया था जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं बता दूं इसको बनाने में 2 दिन लगी थी, और मैंने पहला भी ये वाटर पंप बनाया था जो अभी दिख रहा है, इसे मैंने 1 ही दिन में बनाया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा, ये पूरा तरीके से फेल हो गया। लेकिन यही जो वाटर पंप देखिए 2 दिन में बनाया हूँ तो कितना अच्छा बना है और कितना बढ़िया है। लेकिन इसका कार्य मैं दिखा दूँ, इसका कार्य भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आगे वीडियो देखो भाई, कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई आप वाटर पंप बनाने जा रहे हो या कुछ भी बना रहे हो ऐसे यूट्यूब पे देख के, तो आपके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपकी पॉकेट मनी, आपकी जेब ढीले हो सकते हैं, बट आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर अभी भी वीडियो देख रहे हो तो ये सोच रहे होगा, ये साला तो मुझे मूर्ख बना रहा है, मैं तो यहाँ सिर्फ वाटर पंप की वीडियो देखने आता है। टेंशन मत लो यार, उसकी भी वीडियो मैं बना के अपलोड कर दिया हूँ, वाटर पंप बनाते कैसे है। लेकिन उससे पहले आप जान लो वाटर पंप क्यों बनाना चाहिए, किसके लिए उपयोग है, क्यों आप बनाना चाहते हैं वाटर पंप। यह जो वाटर पंप है ना, ये पानी को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है। इसे भाई नीचे से पानी आप नहीं खींच सकते, जैसे कि बोरवेल से पानी नहीं खींच सकते, नहर से पानी नहीं खींच सकते, एक टब से उस टब में भेज सकते हो। बताओ ऐसा करने के लिए आप इतना रुपया खर्च करोगे? यही नहीं, इस वाटर पंप को चलाने के लिए ना भाई आपको कम से कम चार्जर चाहिए, चार्जर भी नहीं है। चलो यार सोलर पैनल तो होगा ही, इतना अगर रखे हो तो सोलर पैनल भी नहीं है। लो भाई पावर सप्लाई तो कम से कम चाहिए। यूट्यूब ये नहीं सोचोगे कि भाई उसके पास वाटर पंप बढ़िया बना है और उसके पास पावर सप्लाई भी है और मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है भाई। मैं सिर्फ सोच लिया हूँ वाटर पंप बनाने के लिए और अपना पैसा पूरा झोंक दिया हूँ वाटर पंप बनाने के लिए, और 2 दिन की मेहनत और इतना सब बनाने के बाद वो उपयोग में ना आए तो कितना बुरा लगता है, मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ। अब बात करते हैं इसकी प्लस पॉइंट की। तो भाई इस वाटर पंप से आप बाइक धो सकते हो, साइकिल धो सकते हो, अलग अलग तरीके मतलब पानी डाल सकते हो, या छत पे पानी चढ़ाना हो, एक जगह से दूसरे जगह पानी ट्रांसफर करना हो, इस पंप से बहुत आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है इसके लिए। लेकिन आप सोच रहे हो किसी भाई नीचे जगह से पानी ऊपर खींचने के लिए, तो वो नहीं खींचेगा, ये तो भूल जाओ। और सोच रहे हो एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी फेंकना और बाल्टी में डुबा के भाई मोटर चलाया, ये पानी फेंक रहा है इधर, तो भाई उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, वो सिर्फ पानी बर्बाद होगा। तो यार पानी बचाओ, ठीक है। और एक खास बात एक और भाई, मैं किसी यूट्यूबर से भाई मेरे को कुछ जलन नहीं है, मैं सिर्फ वही बताना चाहता हूँ जो आप यूट्यूब पे देखते हो और कुछ भी बनाने लगते हो घर पे। लेकिन उससे पहले आप उसका नेगेटिव पॉइंट भी सुन लिया करो, उससे पहले आप वाटर पंप बनाओ या कुछ भी बनाओ। मैं बार बार वाटर पंप ही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वाटर पंप ही बनाया है घर पे यूट्यूब पे वीडियो देख के, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग कुछ भी देखो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे, घर बनाने से पहले एक बार सोच लो मेरे पास हथियार उपलब्ध है कि नहीं, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। यूट्यूब पे तो भाई क्या उनको क्या कंटेंट रहता है, बना के यूट्यूब पे डाल दिया बस हो गया। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, मतलब कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा एक पॉइंट भी अच्छा लगा हो, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल मोनेटाइज के बहुत ही ज़्यादा करीब है, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा।